हिंद, जय भारत। सभी लोन कंपनियां अगर आपको परेशान कर रही है, किसी तरीके से आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हो सकता है कि लोन का प्रेशर ये वीडियो को देखने के बाद 99% तक कम हो जाए। बिल्कुल 100% की तो गारंटी नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी है कि 99% जो आप प्रेशर ले रहे हैं, मल्टीपल डेट्स में खासकर फंसे हुए लोग जो एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन, तीसरे लोन को भरने के लिए चौथा लोन, इस तरीके से मायाजाल में फंसते गए। और वो लोग जिन्होंने शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करके या कहीं किसी भी ऐप्स में बेटिंग करके या इन्वेस्टमेंट करके पैसा गंवा दिया, या फिर वो लोग जिनका मेडिकल ख़राब होने की वजह से या जॉब नहीं होने की वजह से उनके ऊपर लोन का जो प्रेशर है वो बढ़ा धीरे धीरे करके इतना हो चुका है कि अब उसको आगे तक आप लेकर जाने की क्षमता नहीं रख रहे। ऐसे में बैंकों का, NBFC का रुतबा आपके खिलाफ सख्त होता है, ना कि नर्म। ऐसे में आपको क्या करना है और क्या जानकारी आपके लिए ज़रूरी है, क्या क्या जानना आपको ज़रूरी है, उसके बारे में डिस्कशन होता है इस चैनल के ऊपर, जिस पर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं रिकवरी के मैटर पे। लोन की रिकवरी को कैसे आप हद तक रोक सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो लोगों के मन में सवाल होता है कि हम कॉल्स को हैंडल करेंगे या इग्नोर करेंगे, ये तो फिक्स क्लियर है, या तो आप हैंडल कीजिए कॉल्स को या फिर आप पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए। लीगल नोटिस तो चेक हो जाता है। घर पे जो लोग आते हैं, रिकवरी एजेंट्स आते हैं, उनके लिए क्या नियम और कानून बने हैं RBI के द्वारा, तो मैं यहाँ पर आपको एक एक करके RBI की वेबसाइट पर लेकर जाऊँगा। और RBI की वेबसाइट पर आपको कोई और YouTube पर वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पर कोई आपको लेकर गया हो और जाकर जो रिकवरी की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आपको समझाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है, देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर आपको रिकवरी का पूरा ये है, ठीक है। अब इसको मैं शॉर्ट कट में आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पे रिकवरी एजेंट्स की अगर बात की जाए तो बैंक्स जो है उनको एडवाइस क्या किया गया है, ये अभी का है। आप ही जाके वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो सभी बैंक्स और NBFC का बोल सकते हैं कि फादर है, ठीक है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, वहीं पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब है, बैंक्स आर एडवाइज टू टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग स्पेसिफिक कंसिडरेशन व्हाइल इंगेजिंग रिकवरी एजेंट्स, यानी कि जब रिकवरी एजेंट्स को आपके घर भेजा जाएगा तो उनमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है, एक एक करके सभी बात बताएंगे। एजेंट, एजेंट का क्या मतलब हुआ? एजेंट का मतलब है कि किसी एजेंसी या बैंक ने उसे अपॉइंट किया है, और जब एजेंसी या बैंक उसे अपॉइंट करती है तो वो उसको एक वैलिड आईडी कार्ड भी प्रोवाइड करती है कि तुम हमारी एजेंसी के मेंबर हो या तुम हमारे बैंक के एम्प्लॉय हो, ठीक है। इतना होने के बाद नेक्स्ट अगर बात करें, सेकेंड नंबर पॉइंट, बैंक शुड हैव अ ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस इन प्लेस ऑफ फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट्स, ठीक है, विच शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड टू कवर अमॉन्ग अदर्स इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द रिकवरी प्रोसेस। द ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस शुड जनरली कन्फर्म टू द गाइडलाइन इशूड बाई RBI ऑन आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वाइड सर्कुलर, इतना इतना इतना। फर्दर, बैंक शुड इंश्योर डैट द एजेंट्स इंगेज बाय देम इन द रिकवरी प्रोसेस कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज, विच में इंक्लूड प्री एम्प्लॉयमेंट पुलिस वेरिफिकेशन एज अ मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट कॉशंस, बैंक में डिसाइड द पीरियडिसिटी एट विच री वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट शुड बी रिस्टोर्ड। यानी बैंक्स को पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, वेरीफाई करना पड़ेगा उन एजेंट्स को, जो भी एजेंट्स आपके घर पे आए हैं, कि उनके पास पहले से कुछ गलत रिकॉर्ड तो नहीं है, कुछ ऐसा गलत तो रिकॉर्ड उनका नहीं है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सके। तो बैंक्स को पहले सब कुछ चेक करना पड़ेगा, जो भी रिकवरी आपके घर पे आता है उसकी जिम्मेदारी पूरी बैंक को उठानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड मैं पॉइंट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ,
कि द नोटिस एंड द ऑथोराइजेशन लेटर, यहीं पर लोग पूछते हैं बार बार कि कहाँ ऐसा लिखा है कि नोटिस और ऑथोराइजेशन लेटर चाहिए, रिकवरी वाले यही पूछेंगे। देखिएगा उनको थर्ड पॉइंट ले जाकर दिखाइएगा आरबीआई की वेबसाइट पर, देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, द नोटिस एंड द ऑथोराइजेशन लेटर शुड अमॉन्ग अदर डिटेल्स ऑल्सो इंक्लूड द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द रिलेवेंट रिकवरी एजेंसी, बैंक शुड इंश्योर डैट देयर इज अ टेप रिकॉर्डिंग ऑफ द कंटेंट टेक्स्ट ऑफ द कॉल्स मेड बाई रिकवरी एजेंट टू द कस्टमर एंड वाइस वर्सा, बैंक्स मे टेक रीजनेबल प्रिकॉशन सच एज इंटीमेटिंग द कस्टमर डैट द कन्वर्सेशन इज बींग रिकॉर्डेड। देखिए किसी भी ऐसी कन्वर्सेशन में जिसमें कि एजेंट्स और जो कस्टमर्स है वो बात कर रहे हैं, उसमें किसी भी तरीके से मतलब इंटीमिडिएट मतलब कि उनको आप नीचा नहीं दिखा सकते, उन पे आप जुल्म नहीं कर सकते, उनको आप परेशान नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो या उसको बुरा लगे या ऐसा लगे कि उसने कोई जुर्म कर लिया, ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोलना है। और ऑथोराइजेशन लेटर तो होना ही होना चाहिए, बिना ऑथोराइजेशन लेटर के या बिना आपके पास नोटिस के तो रिकवरी वालों को बिल्कुल भी नहीं भेजें, ऐसा तो यहाँ पे साफ से मेंशन है कि ये रिकवरी वालों के पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब द अप टू डेट डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंसी कंपनी इंगेज बाय बैंक में ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द बैंक वेबसाइट, और जिन जिन रिकवरी एजेंसी के द्वारा रिकवरी एजेंट भेजे जाते हैं उन सभी की जानकारी बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, ठीक है। वेयर अ ग्रीवेंस कंप्लेंट हैज बीन लॉज्ड, बैंक शुड नॉट फॉरवर्ड केसेस टू रिकवरी एजेंट्स टिल दे हैव फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ एनी ग्रीवेंस कंप्लेंट लॉज्ड बाय द कंसर्न्ड बोरोवर, यानी अगर आप किसी रिकवरी एजेंट के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज करते हैं उसी के बैंक में, यानी कि HDFC नाम की बैंक से आपके पास रिकवरी वाला आया और उस रिकवरी वाले ने कुछ ऐसा किया, कुछ बदतमीजी वगैरह कर दी आपके साथ, अब आप चाहते हैं कि जो रिकवरी वाला आपके पास आया है जिसने आपके साथ बदतमीजी वगैरह कर दी है उसके खिलाफ कंप्लेन करना, और आपने उसके खिलाफ कंप्लेन कर दी, अब कंप्लेन करने के बाद सुनिए, कंप्लेन करने के बाद जो है वो बैंक दोबारा किसी भी रिकवरी एजेंट को नहीं भेज सकती जब तक कि ये जांच ना हो जाए कि क्या सही में उस रिकवरी वाले ने कुछ गलत किया है या नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है, ईच बैंक शुड हैव अ मैकेनिज्म वेयर द बोरोवर्स ग्रीवेंस विद रिगार्ड टू द रिकवरी प्रोसेस कैन बी एड्रेस, द डिटेल्स ऑफ द मैकेनिज्म शुड बी फर्निश्ड टू द बोरोवर वाइल एडवाइजिंग द डिटेल्स ऑफ द रिकवरी एजेंसी एज एन आइटम अबव, ठीक है। अब ऊपर में कुछ और डिटेल्स वगैरह भी दी गई है जो आपको थर्ड नंबर पैराग्राफ में दिया गया था कि बैंक के पास एक पूरा मैकेनिज्म होना चाहिए रिकवरी का, जैसे कैसे कैसे आपको बताना है कि भाई लोन का पेमेंट करो नहीं करो, ठीक है। इंसेंटिव्स टू रिकवरी एजेंट, ये आपके काम का नहीं है। मेथड फॉलोड बाय रिकवरी एजेंट्स, क्या क्या मेथड रिकवरी एजेंट फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग, ये देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, सभी के पास कम से कम DRA का लाइसेंस होता है जिसमें कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स, यहाँ पे चेक कीजिए मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट्स विद मिनिमम 100 hours ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि मिनिमम 100 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए, DRA सर्टिफाइड रिकवरी वाला होना चाहिए, अगर वो DRA सर्टिफाइड नहीं है तो उसको रिकवरी का काम करने का 1% भी अधिकार नहीं है, और जब उसके पास DRA का लाइसेंस है तो वो DRA का लाइसेंस आपको दिखाएगा, और अगर वो नहीं दिखा पाता तो आप उसको बिल्कुल भी एजेंट नहीं मान सकते। एजेंट का मतलब वो होता है जो बैंक के द्वारा या किसी एजेंसी के द्वारा निर्धारित किया गया है और वो उसका एम्प्लॉय है। अब मान लीजिए कि उसके पास ना DRA है, ना ID कार्ड है, ना ऑथोराइजेशन लेटर है, ना नोटिस है, अब अगर कोई बैंक का एजेंट आपसे पूछे ये सब कहाँ चाहिए, तो मेरा ये वीडियो उस एजेंट को ज़रूर दिखाइएगा, सेव करके रख लीजिए, इस वीडियो को बहुत ही ज़रूरी काम आएगा, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इतनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं, आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा गया, और उसके बाद कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अभी आपके फ़िलहाल काम की नहीं है, वो हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे वो अदर वीडियोज़ में, ठीक है, कि कैसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी वगैरह के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, जो जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए
किसी भी रिकवरी के मैटर से डील करने के लिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में संक्षिप्त तौर पर समझा दिया। तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत या समस्या आती है तो आप बिना घबराए हुए हमारे ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क डाल सकते हैं जो स्टार्ट होता है 8789060432। और चलिए चलता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आप लोगों के सपोर्ट से 80,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी तरीके से अगर आप लोगों की सपोर्ट बनी रही तो हम लोग जल्द ही सोच रहे हैं 1,00,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का ये वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद।